जितनी ज़्यादा आसान आज की रेमेडी है उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड भी है। दोस्तों, इस रेमेडी का यूज़ वीक में एक बार आप नहाने से पहले कर सकती हो। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है और बताया है कि इसके क्या क्या यूज़ेस और आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू कर लें। फर्स्ट इन्ग्रीडियंट हमें लेना है कॉफ़ी। यहाँ कॉफ़ी 1 टीस्पून काफ़ी है वन टाइम के लिए। सेकेंड इन्ग्रीडियंट हमारा होने वाला है शुगर। शुगर यानी कि चीनी ना कि सिर्फ एक वंडरफुल एक्सफोलिएटर है बल्कि हेल्प करता है आपके चेहरे से डेड स्किन सेल्स निकालने में, आपकी स्किन और आपकी बॉडी को रिस्टोर रिफ्रेश करने में, आपके बॉडी का टायर्डनेस उतारने में। यहाँ पर थर्ड इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ लेमन। जी हाँ, हमें यहाँ पर पूरा लेमन का जूस स्क्वीज करना है क्योंकि मैंने कोई रोज़ वाटर वाटर मिल्क कुछ भी ऐड नहीं किया है। विटामिन सी होता है लेमन में फुल ऑन और साथ ही साथ होता है सिट्रिक एसिड जो कि हेल्प करते हैं आपकी स्किन को ब्राइटन और वाइटन करने के। तब अगर आप चाहते थोड़ा सा ग्लो आना चाहिए आपकी स्किन में तो आप इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। अभी आपने क्या है, मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाने की वजह से इसको किया है। आपने इसको लेना है आपकी बॉडी हो या आपका फेस हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने फेस पर नहीं लगा सकते। अगर हाँ, मैं बोलूंगी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव स्किन है तो एटलीस्ट आप लेमन की वजह से, बाकी तो सब कुछ ठीक है इसमें, बट अगर लेमन आपकी स्किन को सूट नहीं करता तो आप ट्राई कर सकते हो अपने ईयर की बैक साइड पर एक बार लगा कर कि आपको सूट कर रहा है या नहीं। और हाँ, इसमें स्पेशल चीज़ ये मैंने दिखाने का कोशिश की है कि जैसे उन लोगों ने वॉश किया था 2 मिनट मसाज के बाद तो वर्क करता है या नहीं। OMG, यस, आप देख सकते हो यार, इट्स रियली वर्क। इसने सच्ची में वर्क किया। जो मेरा डेड स्किन था अभी पहले आप बैक साइड करके देख सकते हो। और आप जानते हो मैंने इस वीडियो में क्यों फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है वॉश टाइम में, या फिर आप बोल सकते हो इसीलिए ताकि आप लोग लाइव रिजल्ट देखो, ओरिजिनल रिजल्ट देखो। आप होने वाली ब्राइडल्स हो तो आपके लिए तो एकदम ये वरदान जैसा है। हाँ, आप हफ्ते में 2 बार अगर आपने अपनी बॉडी अपनी स्किन पर ट्राई कर लिया तो आपका स्किन टोन 1 शेड नीचे आ जाएगा। जरूर लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय।